मीठी मीठी ईद तुरशातों को भी बुलाकर साथ मिल बैठने का मौका फराहम करती है। घरेलू नाचाकियां, मियां बीवी अलहदा हुए और बच्चे मुश्किल में आ गए। कराची सिटी कोर्ट में अदालती हुक्म पर ऐसे वालिदैन की बच्चों से खुसूसी मुलाकात कराई जाती है जिसमें बच्चे अपने वालिद और वालिदा से खेलते और इनके लाए गए तोहफों में मगन नजर आते हैं। ऐसे मौके पर बच्चे हों या वालिदैन, सभी की खुशी दीदनी होती है। दूरी का एहसास जज्बात में ढल जाता है। महीने में एक बार मीटिंग होती है और ईद पे, लेकिन जैसे जब भी मिलते हैं ऐसा ही लगता है हमारे लिए ईद का दिन है। दो घंटे मैं बहन भाई के साथ खेलने भी आई हूँ और मम्मा के साथ मिलने भी आई हूँ। झूले से खेलने आई हूँ, मम्मा से बात करने आया हूँ। अलहदगी के कर्ब से गुजरते वालिदैन अपनी गलती का एहसास करते भी नजर आते हैं। दोनों को ऐसा काम करें कि जो मतलब काम बनने वाला हो, बिगड़ने वाला ना हो। वालिदैन की अलहदगी या फिर नाराजगी बच्चों को बेहद मुतासर करती है। माहिरीन का कहना है कि बड़ों की लड़ाई में ये बच्चे एतमाद खो बैठते हैं और मुआशरे के लिए मुफीद साबित होने के बजाय अक्सर मनफी सरगर्मियों की जानिब रागिब हो जाते हैं। इसलिए इनकी ऐसी मुलाकातें बेहद जरूरी हैं। खिलखिलाते, मुस्कुराते और शरारतें करते ये बच्चे कायनात की असल रौनक हैं। लेकिन अगर वालिदैन के दरमियान तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इनके बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर भी लगा सकता है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के हमराह राजा मोहम्मद साकिब, 24 न्यूज़, कराची।